जहाँ कोई ना हो टेंशन, वहाँ करिए आपका हर वो फंक्शन। हर्षिता गार्डन फंक्शन हॉल नियर अक्षय हॉल लिंक सुगुर रोड नीट की इंट्रोड्यूसिंग AAC ब्रिक्स। ईंट मजबूत तो घर मजबूत। रसम हो या शादी, कोई भी फंक्शन हो या प्रोग्राम, देवरात के लिए याद आता है एक ही नाम, ओमेरा ज्वेलर्स टिपू सुल्तान रोड। हाजरीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। देही खेल या फिर मुकामी खेल जिनको बरसों से खेला जा रहा है और जो खेल बरसों से इंसानी सेहत की जमानत देते हैं और इंसान के जिस्म को मजबूत करते हैं, ऐसे खेलों को फिर से फरोग देने का वक्त आ गया है। चुनाचे इस सिलसिले में AIDYO की जानिब से ममदापुर मोजे में देही खेलों को फरोग देने के लिए एक मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस मुकाबले में 80 किलो वजनी पत्थर को एक ही हाथ से उठाना होता है, ये मुकाबला किया गया। साथ ही साथ वजनी पत्थर को दूर तक फेंकना और साथ ही साथ रेत के वजन थैले को कंधे पर उठाना, इस तरह के मुकाबला जात पेश किए गए। 80 किलो वजनी पत्थर उठाते हुए महादेवप्पा ने पहला इनाम हासिल किया, जबकि 120 किलो रेत का थैला उठाते हुए नरसप्पा ने पहला मुकाम हासिल किया। इसी तरह 8 मीटर दूर पत्थर फेंकते हुए महेश ने पहला मुकाम हासिल किया। इन तीनों जीतने वालों को चांदी के तमगे इनाम में दिए गए, साथ ही साथ सर्टिफिकेट और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी इन्हें इनाम में दी गई। इसके अलावा इन मुकाबला जात में दुवम और सुवम आने वालों को भी तरगीबी इनामात और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी इनाम में दी गई। इस मौके पर AIDYO के शरणप्पा उद्बाल, चनबसवा जानेकल, इनके अलावा मोजे के अहम शख्सियात महादेवप्पा गौड़ा, वीरन गौड़ा, लिंगैया और दीगर भी मौजूद थे।